So I started doing hijab when I was in 10th standard and it was I think 2012. मैं भी 10th में थी जब मैंने हिजाब पहनना शुरू करा। I It was in was 10th year too। एक इत्तेफाक हमेशा होता है, हमारी सारी चीजें ही ज्यादातर साथ में ही होती हैं। मेरा तो 10th स्टार्टिंग था, तुम्हारा? मेरा एंड था, मेरा मिड ऑफ 22 स्टार्टिंग मिड एंड। ये प्रूफ है कि हम तीनों सिस्टर्स हैं। सारी चीजें इनफैक्ट इवन हमारे लुक्स भी सेम है, हालांकि हम लोगों में काफी गैप है, बट लगता है देख के। इनफैक्ट मेरे खुद हम लोग के पेरेंट्स बार दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली कौन सी बेटी है। सही है। और जब से नकाब माशाल्लाह करना स्टार्ट किया, हिजाब करना स्टार्ट किया, तो और नहीं पता चलता कि कौन कौन है। सो आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड इट वाज द ईयर 2019 एंड इट वाज दोज वर द डेज व्हेन माय फाइनल एग्जाम्स वर गोइंग ऑन। सो इट वाज द एंड ऑफ माय 10th। आई स्टार्टेड डूइंग माय हिजाब इन द मिड ऑफ 2021 व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। सो आई वांट टू आस्क माय एल्डर सिस्टर दैट व्हाई डिड यू स्टार्ट वेयरिंग योर हिजाब? Actually, I started wearing hijab just because I'm Muslim. इसके अलावा कोई रीज़न ही नहीं था। ऐसा होता है ना कि हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ ये मुस्लिम है, मुस्लिम बैकग्राउंड से है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड हिजाब और हेड कवर करना पड़ता है। तो दिस वॉज द ओनली रीज़न जिस वजह से मैं किया करती थी। और ये सब इस वजह से था क्योंकि मुझे कभी वैल्यू ही नहीं पता थी हिजाब। और एक अफसोस भी होता है कभी कभार कि हम मुस्लिम घराने में या मुस्लिम पैदा तो हो गए बट हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में मुस्लिम लाइफस्टाइल या फिर मुस्लिम को किस तरह रहना चाहिए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गया है या फिर अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह को हुक्म दिया गया है, जिसमें हमारा ही ज़ाती बेनिफिट है। बट भैया इसको मैं कहूँगी कि मैं जाहिर थी, क्योंकि वो मेरे लिए जहालत थी, वो कि मुझे पता ही नहीं था कि क्यों करना है या करना है तो किस तरह करना है। फिर इल्म नहीं था ना उस चीज का, कभी पढ़ा ही नहीं उस बारे में ना। हाँ बिल्कुल। सो यू स्टार्टेड रिसर्च ऑन इट? हाँ, उसके बाद तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बट बेसिकली हुआ ये था कि मैं बस इसलिए करती थी क्योंकि मैं मुसलमान थी। फिर करते करते मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये करना ज़रूरी है। फिर ये नहीं पता था उसके बाद कि क्यों करना ज़रूरी है, तो फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इसके बारे में। पर्सनली अगर मैं बताऊँ अपना कि मैंने क्यों करा हिजाब, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ, आई जस्ट फेल्ट लाइक वेयरिंग इट, तो मैंने उसको करना शुरू कर दिया 10th में। और उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने भी कहा, मेरे टीचर्स ने इनफैक्ट मुझे कहा कि अरे तुम 11th में जाके बहुत बदल गई, ये क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर करा, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको जा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा नेकेड हूँ विदाउट हिजाब, तो मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया बस। सो दिस वॉज माई रीज़न टू स्टार्ट माई हिजाब। आई स्टार्टेड माई हिजाब बिकॉज यू गाइस डिड इट, क्योंकि ये आप लोग पर इतना क्यूट लगता था और आप ओकेजन्स पे और रेगुलर बेसिस पे भी करा करते थे, तो मैं उससे अट्रैक्ट हुई और लाइक मुझे लगा कि मेरी सिस्टर्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। क्योंकि फिर जब आप लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, ठीक है, मैं भी आप लोग के साथ बैठी और कंक्लूजन निकला कि आपने स्टडीज करी या रिसर्चेस करी, तो मुझे फील हुआ कि हाँ सही है, इस्लाम में अगर हिजाब का हुक्म है तो वो मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, इस बात से एक चीज़ ये पता चलती है कि बड़ों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा अहमियत है, कि बड़े अगर आपके सही काम कर रहे हैं तो छोटे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं नहीं करती थी तो आप दोनों भी नहीं करते थे जी, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर सुनूस ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अलीज़ा ने स्टार्ट किया। अलीज़ा का तो मेन रीज़न भी यही था कि वो हमें देखती थी, तो ये सबसे छोटी हैं घर में, और जब ये हम ही से इंस्पायर्ड हुए हैं, हम ही से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो भी इसलिए क्योंकि हमने जब इल्म हासिल किया तभी हमें पता चला। अगर नहीं हम इल्म हासिल करते तो सारी ना नसल दर नसल और जितने भी छोटे होते हैं घर के फैमिली मेम्बर होते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते। तो बड़ों का वाकई बहुत बड़ा रोल होता है कि सही चीज़ करें, ताकि क्योंकि छोटे उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। मैंने स्कूल में तो हिजाब किया ही, उसके बाद ना मेरा हिजाब ब्रेक हो गया। फिर कॉलेज में आई तो कॉलेज में करने लग गई मैं, लेकिन कॉलेज में अमूमन मेरे साथ ऐसे होता था कि डेली तो कर रही थी लेकिन कोई ओकेजन होती थी, लाइक फेयरवेल पार्टी है या फ्रेशर्स है या फिर वैसे ही कोई ओकेजन अगर आती थी तो मैं हिजाब नहीं करती थी। और मुझे सच में इसका रीज़न नहीं पता, पता नहीं क्या दिमाग में आता था कि हाँ रेगुलर बेसिस पे करेंगे बट ओकेजन्स पे नहीं करेंगे। और ज़्यादातर लड़कियाँ वाकई में ऐसा करती हैं जिसका कोई, मुझे नहीं लगता कि जिसकी कोई बुनियाद है, क्योंकि मैं खुद ऐसा किया करती थी। इवन आई वॉज रेगुलर टिल 12, बट फिर मुझे याद है हमारे घर में कुछ फंक्शन वगैरह आ गए थे शादी में, तो देन आई डिड नॉट वेयर माई हिजाब।
आई वेंट लाइक दैट ओनली, जैसे मैं पहले जाती थी. और मुझे ये भी याद है कि कभी कभी जैसे बाहर जाते थे तो ऐसे ही सर पर दुपट्टा डाल के यूँ डाल के चले जाया करते थे, थोड़े से बाल निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो इम्पोर्टेंस नहीं थी, बिल्कुल भी इल्म नहीं था उस चीज़ का. तो मैं एकदम जहालत थी तो नहीं, इस तरह प्रॉपर नहीं कर पाई हिजाब. इनफैक्ट मैं भी नॉन हिजाब नहीं थी, नहीं कर पाई. तब ये तो तब करती ही नहीं थी, हम ही दोनों करते थे और वो भी थोड़ा बहुत ही करते थे. और वही जब हम ही कभी कभार करेंगे तो ये छोटी तो ये भी क्या देखेंगी, ये भी किया कभी नहीं किया, वैसे ही नहीं करती थी मैं उस टाइम. तो मेरे साथ यही रहा कि मैं कॉलेज के टाइम में किया था मैंने, बट ओकेजनली करती थी नहीं करती थी, मतलब मन के हिसाब से चलता था सब कुछ, के मन है तो कर लिया वरना नहीं किया, कोई अहमियत ही नहीं थी मेरी नज़र में उस वक्त में. बट 2018 व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, तब पता नहीं मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि जब, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे और कुरान की तालीम से ही माशाल्लाह उस्ताद जुड़ गई थी, तो उस वक्त से करना मैंने स्टार्ट किया. और 2018 से लेके अब तक 2023 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक एक बार भी मैंने किसी भी ओकेजन में या फिर नॉर्मल यू नो डे टू डे लाइफ में मैंने कभी भी हिजाब को नहीं उतारा. उस वक्त मैंने नियत कर ली थी कि अब नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, अब मुझे नहीं उतारना है. अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने फैसले पर जो है कायम रहे, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती ना तो, और अब होती है तो बहुत ज़्यादा दिल रोने सा लगता है, गिल्ट भी होता है कि यार क्या उस वक्त सोचती, क्यों करते थे ऐसा. लेकिन फिर वही है कि कोई बात नहीं, इंसान तो गलतियों का ही पुतला है, वो गलती भी इंसान से होती है. और यही अच्छा, अल्लाह ताला को यही तो पसंद है कि बंदा कोई गलती कर रहा है लेकिन वो लौट के अल्लाह की तरफ आ रहा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग दिल से आए, क्योंकि जब वैल्यू पता चली है, ऐसा नहीं किसी के कहने से कर दिया. We started researching and studying about it. हाँ, तो उससे ये फर्क पड़ा है काफी. तो मेरी स्टोरी ना कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है, लेकिन मेरे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि 2020 में मैंने हदीस पढ़नी शुरू कर दी. मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया था, शायद अल्लाह ताला मुझे हिदायत देना चाहते थे, वो करवाना चाहते थे मुझे हिजाब. तो 2020 में मैंने किताबुल लिबास जो हदीस है मैंने पूरी हदीस पढ़ डाली, और एक साल लग गया मुझे उस हदीस को पढ़ने में. मैं सिर्फ वो सुनती थी हदीस, मैंने उसके कभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए. फिर 2021 में जाके वो मेरी हदीस मुकम्मल थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे हिजाब करना चाहिए. और फिर अगर कोई इल्म हमें मिल जाए और हम उसका यूज़ ना करें तो वो वेस्ट है हमारे लिए. तो मैंने सोचा अगर मैंने ये हदीस पढ़ी है, या मैंने, अगर हम दुनियावी चीज़ भी कुछ पढ़ते हैं तो हम उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो मैंने कहा अगर मैंने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा है, मैंने हिजाब के बारे में कुछ पढ़ा है, तो मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए. और इम्प्लीमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो एजुकेशन आपको बिल्कुल वेस्ट है. सही बात है. तो इसलिए फिर मैंने करना शुरू कर दिया. हाँ सही बात है. अभी आपने जो हिदायत वाली बात बोली थी वो अच्छी थी, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह ताला सबको ही देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसान तलब करता है हिदायत की उसे ही मिलती है. ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे हिदायत नहीं मिलती इंसान को. कोई भी चीज़ पाने के लिए मुशक्कत तो करनी पड़ती है, और दीन इस्लाम या जन्नत कोई यू नो सस्ती चीज़ नहीं है, उसकी कीमत है, वो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी. और वो कीमत क्या है, हमारे एफर्ट्स हैं. तो वही है कि इंसान एफर्ट्स लगाएगा तो ही उसको किसी चीज़ की हिदायत मिलेगी. सही बात. तो 2018 में मैंने हिजाब प्रॉपर करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद जितनी ओकेजन्स होती थी, ईद होती थी या किसी की शादी होती थी या कोई कुछ भी होता था, कोई भी ओकेजन होती थी, तो मैं हमेशा हिजाब करती थी. और उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह बांधते हैं, बस एक तलब थी दिल में कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो बस जैसे भी बनता था उसको बांध दिया करती थी. और फिर उसके बाद से तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उतारा नहीं है. आपने अपनी वेडिंग में भी तो करा था ना हिजाब? हाँ, उसके बाद फिर मेरा निकाह था, तो निकाह पे भी मैंने हिजाब किया था. हालांकि उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने कहा था मुझसे कि तुम तो दुल्हन हो, उतार दो. हाँ, और एक दिन के लिए क्या हो जाएगा उतार के, लेकिन लगता था कि बहुत वैल्यू है एक दिन के लिए भी हम क्यों उतारें, जबकि हम दोनों सिस्टर्स ने नहीं करा था. हाँ, उस वक्त हम रेगुलर तो थे हिजाब में, लेकिन ऐसे लगा कि नहीं यार ओकेजन है, शादी है तो उतार देते हैं. तो मतलब ठीक है, इतना रेगुलर नहीं था. तो उसके बाद मैंने नहीं उतारा, लोगों ने तो काफ़ी कुछ कहा था कि दुल्हन बन रही हो और दुल्हन एक ही दिन तो मिलता है इतना सज धजने का, और ये और वो, और सारे अरमान उसी दिन पूरे होंगे, इस तरह के लोगों की सोच है. बट मुझे लगा कि नहीं, मैं क्यों चंद घंटों के लिए अपना हिजाब उतारूँ. और ये भी मुझे इसी में पता चला, क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला एक्चुअल में लड़कियों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है इस्लाम में.
और कितना बड़ा रुतबा है, और अल्लाह ताला ने जो हुक्म अगर हमें दिए हैं कुछ अगर करने के लिए कहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है और वो हमारी ही भलाई के लिए है। बस ये इंसान की जो सोच है वो महदूद होती है, वो समझ नहीं पाता या शैतान बहकाता है, कई वजहें होती हैं। तो मुझे अच्छा ये चीज़ भी याद है कि जैसे अप्पी करती थी हिजाब, तो अप्पी ने कभी भी हमें फोर्स नहीं करा, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी फोर्स करा कि देखो तुम्हारी बड़ी बहन कर रही है तो आप लोगों को भी करना चाहिए, कभी ना मेरी अप्पी ने भी कभी फोर्स नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी बात है, समझाया है। हाँ सही बात है, हमेशा हमें समझाया है कि क्यों करना चाहिए, क्या इसके पीछे जो है रीजंस हैं, क्यों अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है। तो और अप्पी जो भी पढ़कर आती थी हम भी इनके पास बैठ जाया करते थे सुनने के लिए कि क्या पढ़ा है हमें बताओ, क्योंकि उस टाइम मतलब टाइम तो होता था हमारे पास पढ़ने का, लेकिन एक जो बड़े लोगों से बात सुनते हैं ना उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है छोटे पे। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट लगता है कि हमारे कितने लंबे लंबे डिस्कशन हुआ करते थे, मतलब 3-4 घंटे हमारे कहाँ चले गए हमें पता नहीं चलता था। 3-4 घंटे हम लिटरली बैठे रहते थे और कि हाँ इस आयत में ये लिखा है, इस हदीस में ये लिखा है, और नबी के वक्त में ये हुआ था, डाउट्स क्लियर होते रहते थे हम लोग। हाँ कुछ ये हमारे क्लियर करती थी, फिर जो तीनों को ही कुछ समझ नहीं आता तो हम जाके नेट पे रिसर्च करते थे, स्कॉलर्स को सुनते थे, पढ़ते थे थोड़ा। तो फिर मुझे याद है निकाह के बाद आपके जब आपने भी हमें समझाया पढ़ाया, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करा, तो मुझे याद है August 29 के एंड में अलीज़ा और मैंने जो फाइनल डिसीजन किया था कि दैट वी आर गोइंग टू डू हिजाब, एंड टिल नाउ वी आर डूइंग इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कहीं भी नहीं उतारा है। अब भी हमारे लिए एग्जांपल है कि फोर्स नहीं करना चाहिए किसी पे हिजाब या कोई सी भी इस्लामिक रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए। और ये तो एक्चुअल में है, बस लोगों ने बना रखा है एक फिजूल की चीज़ है कि मुसलमानों में तो ज़्यादती की जाती है लड़कियों के ऊपर, फोर्स किया जाता है, बट एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों को इस्लाम देख के नहीं सीखना है, हमें किसको देख के सीखना है, हमें अपने नबी को देख के सीखना है या फिर कुरान को पढ़ के सीखना है कि इस्लाम में एक्चुअल में क्या कहा गया है या फिर क्यों कहा गया है, या फिर इंसान की कोई भी डाउट है तो उसको हम नबी को देख के सीखें, ना कि हम और दूसरे लोगों को देख के सीखें, क्योंकि इंसान तो गलती कर सकते हैं। हमारे वो मेंटोर वो नहीं होने चाहिए लोग, हमारे मेंटोर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए, और इतने सहाबा हैं वो हमारे मेंटोर होने चाहिए। मैं तो हिजाब नहीं करती थी, लेकिन जब आप लोग करा करते थे तो मैं आप लोग के हिजाब उठा के खुद ट्राई करा करती थी, डिफरेंट स्टाइल्स की कौन सा सूट करा कौन सा नहीं करा, और वैसे ही फिर मुझे पसंद आने लग गया, मैंने स्टार्ट कर दिया हिजाब। किया करती थी वाकई में, पता है मैं जो हिजाब पहनती थी वो भी इनको पहनना होता था। ये शी यूज्ड टू कॉपी योर स्टाइल, के मटेरियल्स बहुत ज्यादा जो है अच्छे हुआ करते थे, हमें बहुत पसंद आ रहे, क्रिंकल कॉटन था, जॉर्जेट था, शिफॉन था, और सबसे बड़ी बात मैचिंग, वो सब मैंने बहुत ज्यादा मैच करके सब रखे थे कि इस कपड़े पे ये वाला मैच करेगा तो यही पहन। ये बहुत जो है अपने ड्रेस सेंस में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी कि अभी भी मुझे जो है ऐसे कलर्स के साथ ये कलर चाहिए वो, और नहीं होता था तो या तो ये वो ड्रेस नहीं पहनती थी, नहीं तो वो ऑर्डर करा करती थी पहले, तब फिर इन्होंने हमारे लिए ऑर्डर कर दिए थे क्रिंकल कॉटन हिजाब, देन वी स्टार्टेड डूइंग इट, और उसके बाद ये अपने हिजाब नहीं देती थी हमें, अपने ही पहनने पड़ते थे, बट आज भी हमें इन्हीं के ही हिजाब पसंद आते हैं। अच्छा वो याद है जो तुम लोग हिजाब पहनते थे तो ये हमेशा पिन अटका दिया करती थी उसमें, और उसमें होल हो जाता था, और मुझे इतना खराब लगता था, फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता था कि रख लो, कि रख ही लो, मैं ये नहीं लूंगी, मैं अपना गुस्सा ले लूंगी।